Hello guys, नमस्ते। संडे फंडे करने के लिए हम लोग बाहर घूम रहे हैं। बेंगलोर से अराउंड 40 किलोमीटर दूर में आए हैं। हाँ। तो जिगनी से और अंदर आए हम लोग, करीब करीब वहाँ से 12 किलोमीटर और अंदर आए। पूरा ये विलेज है, पूरा विलेज एरिया नहीं है। पूरा फ्रेंड्स लोग भी आया, जैसे थोड़ा माउंटेन है, जैसा हिल्स जैसा है थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग कुछ यहाँ पे अरबी का ये लिप्स लेने आए हैं। यहाँ पे वो लोग तोड़ रहा है, जैसा देख सकते हो आप लोग, ये वाला वो लोग तोड़ रहा है। तो इसको फिश के साथ बना के खाने से बहुत अच्छा टेस्टी होता है। भी यूज़ कर। आप यहाँ पे बेंगलोर से आया? फिट जैसा टिप करके रोड बने हुए हैं। ये रहा यहाँ का नज़ारा। अभी यहाँ से अराउंड 500 मीटर्स, आधा किलोमीटर हम लोग डाउन पे जाना है, खाई पे उतरना है नीचे। यहाँ से गाड़ी नहीं जाता है, तो ये रहा मेन रोड। हम लोग गाड़ी नीचे पार्क करके आए हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए। हम लोग सिर्फ फैमिली नहीं है, हमारा फ्रेंड्स लोग भी हैं। ये रहा यहाँ का रोड। हम लोग पहुँच गया है, ये एक्चुअली रिवर नहीं है, खाली छोटा डैम है। तो यहाँ का पानी ये लोग यूटिलाइज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ये पाइप से इस तरफ से खींच के यहाँ इसका अंदर मोटर है, ये इलेक्ट्रिक लाइन है, यहाँ से खींच के लेके जाके वो लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा था ये रिवर है, एक्चुअली रिवर नहीं है, एक डैम है। उस तरफ भी गया यहाँ का पानी, वो उस एरिया में भी खींच के लेके गया वो लोग। मेरी मम्मी उधर नीचे गई है मच्छी पकड़ने। क्या नजर डील में देखो, कोई बंदे लोग वहाँ नीचे में भी है, कोई यहाँ से वो भी कर रहा है, फिशिंग भी कर रहा है, जाल मार रहा है जाल। ये बोट डीप है बोला, अराउंड 20 फीट हाइट है डीप इसका। पकड़ा फिश? फिश पकड़ा? काफी से फिश नहीं, नहीं फिश पकड़े का बोल रहा था, जाल नहीं मारा। कितना पूरा 1-1 केजी का है? 1 केजी किला किला माथा ये दिए खाने वाले बाबू तो तो ही ना वो सब मोस सब सब मोस छोटा छोटा है ना। हाँ होगा, बड़ा बड़ा भी, बड़ा भी है वो नीचे है ना। हाँ ऐसा दो दो तीन तीन उंगली का है, लेकिन उधर पत्थर है, वो ये रोड है ना, वो सब है।
मारने से नहीं आता, वो फट जाएगा। हाँ फट जाएगा। मतलब ये डैम का नीचे वो ऐसा है ना, ये सबको तोड़ के उधर रखा है, उसको ये नेट को फेंकने के लिए भी आइडिया चाहिए ना। उसको वो बाउंड्री में जाके नहीं मार सकता, ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, उधर नीचे ये है ना बम्बू का ये काट के रखा है डाल सब। हम लोग ऐसा दो जाएगा अंदर मतलब अराउंड 20 फीट जाओ। मतलब हाथ में भी ले सकता है ना। ये तो मरा हुआ है, ये जिंदा कैसे मालूम होता है? वो बंद रहता है? हाँ बंद रहता है। छोटा है ना लेकिन? हाँ छोटा है, पानी भी कम है ना अभी। अच्छा है, पहले तो पानी ज्यादा था, नहीं मिलता उसमें, दिखता नहीं था, पानी ज्यादा पकड़ने के लिए मालूम मुश्किल होता ना। उसको मालूम करना ही टफ है ना। ये कैसा जिंदा है मरा हुआ है? ये मर गया नहीं है इसका अंदर? नहीं वो है उसका जो ढक्कन था ना वो मर गया, टेस्ट नहीं होता। क्या कर रहा है भाई बर्ड को मार दिया? वो बैम्बो है ना, नहीं लगता उसे। ड्रग्स पीने वाला का पी के सोते रहने का नहीं। देखो यहाँ भी सोर्स है, तो ये पानी भी वो लोग मोटर डाल के खींचा हुआ है। देखो ये भी सोर्स है, तो ये सूखता नहीं है, अभी विंटर का सीजन में भी ये पानी सूखता नहीं है। देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक का वायर है, अंदर मोटर है, तो यहाँ से वो लोग ऊपर से स्विच ऑन कर देगा तो पानी पूरा एग्रीकल्चर के लिए लेके जाएगा। तो यहाँ पे अभी स्नेल ढूंढ रहा है ये लोग, मतलब पूरा पाव फंस जाता है इसमें, चढ़ की चढ़। इधर नहीं आना, कीचड़ है वो। उस तरफ जा रही हूँ, पाँव फंस जाता है।
अच्छा है यहाँ पे पानी, मतलब देखो मेरा स्लीपर फंस रहा है अंदर। यहाँ से निकल के जा निकले मुश्किल हो रहा है, निकल के जाना मेरे को टफ हो रहा है। देखो यहाँ तो चलने के लिए नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा नीचे चला जा रहा है। तो आपका तो 1 kg हो गया ना? हो गया। ना? उसमें बड़ा बड़ा होने से तो वो ज्यादा होता था। नहीं, मरा हुआ जिंदा कैसे मालूम होता है? पतला रहता है। मरा हुआ आपको मालूम पड़ जाता है? मालूम पड़ जाता है। फुल टेस्टी होगा ना? देखो ये सभी जिंदा है, मरा हुआ ये वाला है ना वो नहीं रहता, उसका ये कैप नहीं रहता। हाँ, ये ओपन रहता। ओपन रहता है तो उसको क्या टेस्ट नहीं होता? वो नहीं, उसमें तो कुछ भी नहीं रहता, खाली ऊपर का वो रहता है, वो अंदर कुछ भी नहीं होता। नहीं होता। तो आपका दिखाओ, 1 kg हो गया ना? हो गया ना, ये देखो। तो इसमें तो सब मरा हुआ नहीं है, सब जिंदा है। जिंदा जिंदा जिंदा, फुल टेस्टी होगा ना वो। अच्छा, कैसा बनाओगे इसको? पूरा देखो ये मरा हुआ है ऐसा, खाली। हाँ खाली, पूरा निकल गया। इसको कैसे बॉयल करके निकलेगा? नहीं, ऐसे ही पानी में भिगो के रखना, बाद में ये पूरा बाहर आता अंदर का वो लोग चलते फिरते ऐसा पानी में। हाँ, फिर उसका अंदर का गंदा भी निकल जाएगा। फिर बाद में इसको ये है ना ढक्कन, उसको निकल दिया तो बाद में फिर अच्छा से वॉश करके फिर पानी में भिगो के रखना, उसका गंदा अंदर से निकलने का बाद फ्राई करके फिर कौन सा सब्जी में डालना वो डाल सकते हैं। वो बाहर का छिलका अलग से निकल जाएगा? वो छिलका ऐसे ही रहेगा। हाँ, बॉईल करके निकालेगा तो छिलका ऐसा करके खाने का। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए, बच्चे लोग स्टडी भी करने लगे, कल के प्रिपरेशन करने लगा, कल में था इसका एग्ज़ाम है। तो हम ये लोग को थोड़ा गाइड कर ISL का फाइनल मैच भी देख रहा हूँ, बिटवीन हैदराबाद FC एंड केरला वाला। आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं। बाय, गुड नाइट।